महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद टीएमसी ने उसके नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सभी 6 विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है और उसके नेता उत्साहित हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार को लेकर इंडिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी उठा दी है। पार्टी के सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को अहंकार अपना किनारे रखना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। टीएमसी सांसद ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है, साथ ही उनके जमीनी स्तर से जुड़ाव ने उन्हें विपक्षी गठबंधन के सबसे कारगर व्यक्ति बना दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हाल के चुनाव में मिली विफलता को स्वीकार करना होगा। अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर एकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन्हें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया गुट के नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाजपा से लड़ने के ट्रैक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने ममता बनर्जी को सिद्ध नेता बताते हुए कहा कि वह पूरे देश में एक लड़ाकू के रूप में पहचानी जाती है। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें आदर्श चेहरा बनाती है, इसीलिए एकजुट और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बिना विपक्ष के प्रयास लड़खड़ाते रहेंगे। बंगाल बीजेपी ने इस पर मजाक भी उड़ाया है। बंगाल भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव करने से उसका चुनावी भाग्य नहीं बदल जाएगा। गौरतलब है पश्चिम बंगाल में सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी दलों भाजपा और सीपीआई द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ फैलाए गए झूठ और कपट मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।